हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सब। मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी किचन खजाना में। तो बिल्कुल मार्केट की तरह अगर मैक्रोनी खानी है आपको, और वो भी घर में, और वो भी फटाफट बना के, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट का टेस्ट आपको घर में ही मिलेगा। तो इसको बड़े बच्चे सब पसंद करेंगे अगर इस तरीके से आप मैक्रोनी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मैक्रोनी, और यहाँ देखिए मैं पानी रख दी थी बॉईल होने के लिए, और इसमें एक चम्मच मैंने ऑयल डाला था। तो ये मेरा जो पानी, जब आपका बॉईल हो जाए उसी के बाद आपको मैक्रोनी डालना है। और एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मैक्रोनी को आप चलाते रहिए कंटिन्यू जब तक ये बॉईल ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यू इसे चलाऊँगी, और यहाँ पर मैक्रोनी को बॉईल होने में कम से कम 7 से 10 मिनट लग सकते हैं आपके। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, इसको अच्छे तरीके से आपको बॉईल करना है। आंच धीमी ही रखिए, ज़्यादा आंच नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं देख लूँगी, तो अभी थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है कसर, अभी हुआ नहीं है मैक्रोनी हमारा बॉईल। तो देखिए फिर से मैं इसे चलाऊँगी, आपको कंटिन्यू चलाना है। ऑयल डालने से क्या होता है कि जो मैक्रोनी होती है हमारी चिपकती नहीं है। यहाँ देखिए बॉईल होके मैक्रोनी हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे निकाल लूँगी एक थाली में। अब देखिए यहाँ रख दी हूँ मैं कढ़ाई, इसमें डाली हूँ मैं 2 चम्मच ऑयल, इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच जीरा, 2 प्याज यहाँ मीडियम साइज़ का मैंने काट लिया था, 3 से 4 हरी मिर्च मैंने काटी थी, आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो भूनने में हमारा 2 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो देखिए प्याज भून चुकी है, अब इसमें डाल दूँगी मैं यहाँ पे टमाटर। तो टमाटर जो है 2 से 3 टमाटर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहें तो यहाँ टमाटर को कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ टमाटर अगर आप मैक्रोनी में डालेंगे तो आपका मैक्रोनी जो है बाज़ार के जैसे बाज़ार में मिलता है मैक्रोनी, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ी सा मैं चुटकी भर हल्दी डाल दूँगी, इससे क्या होता है कि जो कलर है हमारा मैक्रोनी का बहुत बेहतरीन आता है। और इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूँगी मैं चुटकी भर। ये देखिए यहाँ पे अमचूर पाउडर भी मैंने डाला है इसमें। अब इस मसाले को मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से, 5 से 10 मिनट तक आपको मसाले को भूनना है। फिर इसमें जो मैक्रोनी मैंने निकाला था उसे आपको इसमें डाल देना है, डाल के इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। आँच आप बिल्कुल ही कम रखिए, क्योंकि इसे मसाला जो है वो हमारा पक चुका है, तो इसे पकने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, तो नमक डाल के मैंने मिला लिया है इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए मैं इमली का जो है पानी डालूँगी, इससे क्या होता है मैक्रोनी हमारी जो है चटपटी बनती है। बाजार स्टाइल मैक्रोनी बना रही हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें आप डालेंगे जब भी इसका स्वाद जो है बेहतरीन बन के आएगा। देखिए यहाँ टमाटो सॉस मैंने डाल दिया है मीठे वाला, तो ये आपको डाल लेना है, डालने के बाद आपको मिक्स कर देना है। अगर आपको सॉस नहीं पसंद है तो आप बिना सॉस के भी बना सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको डालने के बाद मैं कंटिन्यू चलाऊँगी, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं मैगी मसाला डालूँगी, मैगी मसाला आपको गैस बंद करके डालना है, और फिर इसको अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी मैक्रोनी देखने में ही लग रही है कि बहुत ज़्यादा चटपटी बनी है, तो इसको अच्छी तरीके से पहले इसमें मिक्स करना है, ताकि जो मैगी मसाला हमने लास्ट में डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें।
तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपको बना लेना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और फटाफट भी बन जाती है, बच्चों को बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे और मांग मांग के खाएंगे आपसे। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आप सबसे मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक अपना आप बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।